तकलीफ हो रहा ज्यादा हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों सुबह सुबह उठ गई है नंदनी और गुल्लू भी उठ गया यार। देख सकते हैं सुबह सुबह नंदनी चूल्हे पे खाना बना रही है। चूल्हे पे बनाएंगे दोस्तों आज, गरम पानी लेके डालने के लिए। ना बेटा क्या है ये? जैसे उठा ना दोस्तों, जल रहा है, जल रहा है, ऐसे कर रहा है, जल रहा है ना बेटा। देख रहा है क्या हो रहा है, इसको समझ नहीं आता ना दोस्तों। गर्म रहने तो हाँ ठीक है, वो जल रहा है, वो पानी डालेगी। वो समझदार भी है दोस्तों, आगे 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 से मतलब जाता नहीं हुआ क्या बेटा? गर्म है ना, गर्म है ना, गर्म है ना, तो फूक दो उसको, फूको। फूक रहा नल आया जी, देखिए तो पानी है ठीक। नल तो अभी नहीं आया है। अब बेटा तो नंदनी आ गई पानी लेके, गुल्लू तो कहाँ गया? पानी भी मेरा खोल गया है। ये पानी भी खोल गया, खोल गया पानी, पानी भी खोल गया। अधन आते थोड़ी देरी लगी, इसमें जल्दी बन जाएगा। गुल्लू खाली एंजॉय करता दोस्तों। पानी भात बनाएंगे बेटा, भात खाइए भात। चलो आओ चावल निकालते हैं, इसी पे बना लेंगे दोस्तों। थोड़ा मौसम भी ठीक किया हुआ है और गैस भी ना थोड़ा बचत होगा नंदनी का। बचत नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, कब होगा कोई पता नहीं। क्यों? बहुत दिन का सिलेंडर भरा हुआ है दोस्तों, इसलिए। और यहाँ से कमती है उतना दूर है सिलेंडर, ऐसा शरीर में ना लाने में नहीं बनता है, इसलिए है ना बेटा। गुल्लू जब बड़ा हो जाएगा ना तब मेरा सिलेंडर ला देगा पकड़ के ना बेटा। हाँ कोटा हाँ। वाला चावल बन रहा है दोस्तों, देख सकते हैं हमारे यहाँ। पता नहीं हम लोग को तो राशन जाएंगे, फोन करेंगे, बोलेंगे कि राशन मिल रहा कि नहीं दोस्तों, क्योंकि कितना दिन से उठाए नहीं है। बहुत दिन हो गया, पहले का ही है वही वाला बना रहे अभी। बहुत पहले का, बहुत पहले का दोस्तों, अभी हो गया 5-6 महीना ना। हाँ 5 महीना पहले का चावल है दोस्तों। आज चावल ना मिला नहीं हम लोग को, बोल रहा देंगे देंगे मगर दे भी नहीं रहा। राशन नहीं मिल पा रहा दोस्तों। कौन सा कार्ड है तुम्हारा? हरा हरा कार्ड देते ही नहीं, माथा खराब। अब जाके अभी फोन फिर करेंगे अब, क्यों अभी हो गया ना, अभी मिलता होगा जाके पूछेंगे, देगा तो ठीक है। क्यों चावल भी अब नहीं है, 1-2 किलो होगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा। क्या कह रहे हो, तुम खोटे का खाते हैं, हम शुरू से खा रहे हैं। पहले नंदनी लाई थी कौन सा चावल, बांस खाटी, तो अब धीरे धीरे उसके मन भर गया बांस खाटी से, आ गई अपना इसी चावल पे। कुछ दिन खाए दोस्तों, कुछ दिन फिर खाए, जब दिक्कत होता तो सब कुछ खाते। चलिए पानी गर्म हो गया, पानी खोल गया है, चल के जब तब पानी आ गया, लग रहा सड़ गया है। कैसे ये देखिए, दिखा बेटा दादी का सड़ गया, एक गंदा देखो, ये देखो कर देंगे ला देंगे। क्या करता है जो दांत सड़ जाता है? दिन भर खाएगा चॉकलेट, चॉकलेट खाता है ना, छिले से होते जा रहा गुल्लू। हाथ पैर खींच रहा है मेरा, क्या करे हम। ये बाबा कितना गंदा आ रहा है, जमड़ी आ रहा पानी में, देखिए कितना गंदा पानी निकल रहा है जमड़ी में। आगे सूरज आगे पहला में जमड़ी निकल रही, कितना जमड़ी निकल रहा है नंदनी, चावल में चला जाएगा सब, खराब लगेगा खाने में। देखिए अभी नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा। गुल्लू तुम क्या कर रहा है बेटा? मम्मी देख रहा है ना कैसे खाने खाना बन रहा है दोस्तों, वही गुल्लू देख रहा है ना। खाना बनेगा चावल, यानी तो लेवा भी लगा लिए, अब बनेगा सब्जी इस कढ़ाई में। और भात देखिए हमारा हो गया है। ओ हाँ भात हो गया बेटा, गंदा मत कर देना। देखिए इसको फूंक रहा है, नल भी आ गया तो पानी पूरा लगा दिया, सब में भर रहा ड्राम में हमारा। अब भात अंदर कर देते हैं तो ये लड़का पूरा फेर बर्बाद कर देगा दोस्तों। जैसे कर ही रहा है, ये कर रहा देख रहा है कितना अच्छा कोटा का चावल है दोस्तों, अच्छा ही होता है इसका भी चावल, एकदम साफा है चावल। देखिए तो गुल्लू देख रहा कितना गौर से, लड्डू क्या लड्डू लड्डू बना के दे दो चावल का। सब्जी बनाएंगे उसके बाद दाल चढ़ा दिए कुकर में, मतलब ये देखे लौकी देखे कि अच्छा लगेगा, गुल्लू खाएगा ना बेटा। हाँ चल सब्जी बन गई, सब्जी बनना स्टार्ट हो गया है। कितना किस्म का सब्जी है दोस्तों, इसमें बैंगन है, आलू है और ये है कोई पत्ता है दोस्तों, बरबट्टी है,
सब कुछ दे के मिक्स बना। अब तुम मत बना बेटा, हम बना लेंगे। तुम हट जाओ, गुल्लू तेल छिटक जाएगा। दूर हटो, दूर हटो, तुम दूर हटो। हट जा, बहुत बदमाश करते हो। नहीं हटेगा, हट जा बेटा, हट जा, हट जा, हट जा, हट जा। इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ देखो, बैठ के कहीं भी शांति नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हमारा खाना बन जाता है, फिर मिलते हैं आपसे। खाना तो बन के रेडी हो चुका है, और इधर के सारे कपड़े निकल गए हैं धोने के लिए। नंदिनी का काम बढ़ गया आज भी, फिर डेली डेली इतना कपड़ा निकल जाता ना, पूछने का नहीं। क्या हुआ, हाथ पे दर्द टान रहा? तो छोड़ दो ना, तो अभी करना जरूरी है काम, शाम में होगा, बाद में होगा। क्या हो गया, तकलीफ हो रहा ज्यादा? दर्द देने लग गया दोस्तों, अभी तो जान ही रहे नंदी का हालत कैसा है। तो कमर दर्द, हाथ पे टानने लगा है इसका ज्यादा। तो ये चलो दिखाएंगे, जब जान करके दर्द देता हूँ। बोले कि रहने तो नहीं, दर्द ऐसी दर्द देता हूँ, काम करते रहेंगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं, सुबह से थोड़ा थोड़ा तो अभी बढ़ गया, दर्द बढ़ जाता नंदिनी का। दाम ना बेटा, पैर दाम ना। ये भी होशियार बच्चा दोस्तों, ऐसा नहीं दाबेगा। मम्मा को तरती रहा, मम्मा को तरती रहा, मम्मा को तरती रहा, मम्मा को तरती रहा। देखिए दोस्तों, कितना समझदार है। दाब दे बेटा, मम्मा को दर्द देने से दाबता है। दाब दे, दाबू ना। इसका नुनू चिकता है, इसका इसका फिचर देख रहा है, इसलिए गुलू नहीं दाब। हम झाड़ू मार दे रहे हैं, झाड़ू मार देंगे हम। नहा लो, हो गया, नहा ले लो, कपड़ा अब धो, कपड़ा बाद में धोवाएगा, अभी नहीं धोवाएगा। खाना उना खा, अभी तक नाश्ता भी नहीं किए तो क्या होगा। पहले सुबह सुबह नाश्ता करना चाहिए इसको, तो वो नहीं करती है। कुछ हल्का नाश्ता करो, सब कुछ जल जाएगा। एक तो चूल्हा पे बना तो जलेगा ही। आराम करो ना, काम करना जरूरी थोड़ी ना है। कोई तकलीफ होता ना दोस्तों, और काम करने में भीड़ जाएगी एकदम, लग रहा है कितना कम आंसू तो हो गई। दर्द तो बढ़ेगा ही, नाश्ता कर लेना चाहिए सुबह सुबह, तो भी नहीं किया। जान रही, एक जान नहीं है, दो जान है कम से कम। तो उसका तो सोचो, रोती है, देखिए रोने से कुछ होगा, होगा रोने से। गुल्लू देखिए आ गया भाई, देख लीजिए क्या कर रहे बेचारे। तो माँ का दर्द समझता है गुल्लू, देखिए इस तरह से दाब रहा देखते मेरा गुल्लू। बड़ा को बड़ा सेवा करना माँ का, मेरे जिसे मत बनना गुल्लू। इसलिए ना वहाँ पे तो तबियत नहीं मेरा ठीक रहता हमेशा, इसीलिए जाती है दोस्तों मायके, वहाँ पर रहती है नंदिनी। बाकी सब काम कर देते हैं नंदिनी आराम से। यहाँ तक पैर दर्द देता तो किसी को बोलते हो भी था। अब बहुत आदमी है ना, पूछ रहा बोले नहीं रोने। नहीं बेटा छोड़ दो मम्मा। तो सारा काम हो गया है, इधर का नंदिनी कर लिए, इधर का हम सारा काम कर लिए ना गुल्लू। गुल्लू भी नहा लिया है, नहा लिया ना बेटा, गुल्लू नहा लिया। तो इधर पूरा पोछा झाड़ू हम मार दिए, नंदिनी इधर अपना अब कपड़ा सरिया रही है। गुल्लू तो पर छीट देता, इसे सरिया के रख दे रही नंदिनी। अच्छा लग रहा था तबीयत, अच्छा क्या लग रहा है? हाथ पे तो टाने इधर, तो उसमें हम क्या करें? ये हाथ नहीं दर्द रहा है, ये वाला हाथ है, ये लगा पैर का मर। इधर तो आधा दर्द है। हाँ, एक साइड तो नहीं दर्द रहा, एक ही साथ का दर्द रहा। वो होता है दोस्तों ऐसा, फिर भी बहुत दिन बाकी है ना। अरे वो दर्द अब दे रहा तो क्या वो होने वाला है क्या दर्द? वो तो है दोस्त, तो अच्छे सवाल कोई बात नहीं, होता है दोस्त, प्रेगनेंसी में ऐसा चलते रहता है, कोई बात नहीं। तो खाना उना खाएगा तब ना, चलो जल्दी खाना खा ले। चलिए दोस्तों खाना निकालते हैं। तो खाना निकल चुका है हमारा, देख सकते हैं भात दाल और सब्जी।
जो कि चूल्हा पे आज बनाई गई नंदिनी। तकलीफ हो रहा है फिर भी चूल्हा पे बनाती है। मेरी बात क्या है ना दोस्तों, यहाँ पर खड़ा खड़ा बनाती है ना, तो यहाँ भी दिक्कत होता है। वहाँ पर बैठ के आराम से वहाँ पर चूल्हा में लकड़ी लगा देती है, यहाँ बैठे रहती है, आराम से हो जाता है इसका। ये गुल्लू दूध पी रहा है, देखिए पियो पियो दूध पियो, हाँ गुड बॉय। चलिए दोस्तों खाना स्टार्ट करते हैं पहले नंदिनी। चलिए खाना तो खा लिए हैं दोस्तों, रेस्ट करें। नंदिनी को ज़्यादा ही तकलीफ दे रहा, देख सकते हैं बैठ के यहाँ रो रही है नंदिनी, हाथ पे टान रहा है पूरा एकदम कस के। ज्यादा ही दर्द है, सब रोते हैं, जब ज्यादा जरूरत रहते तभी दर्द रहता। तो क्या करें बोलो, हम क्या कर सकते दोस्तों। डॉक्टर पास बोलते चलो तो उसमें भी नहीं जा रही है, यहाँ बैठ के रोने से क्या होगा। देखो गुल्लू, ए गुल्लू नहीं गुल्लू नहीं गुल्लू, मम्मा को तकलीफ हो रहा है ना, हम हाथ पे दबा दे रहे हैं और क्या करें बोलो, उससे ज्यादा हम कुछ कर सकते हैं। क्या करेगा तुम्हारा बेटा, तुम्हारा सुनि पूछेगा तो किसका पूछेगा। क्या बोल रहा, दबा दे हाथ पे, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, एक साइड का पूरा कमर। चलिए दोस्तों हम जा रहे हैं, नंदिनी को दबा देते हैं हाथ पे, हाथ पे दबा ठीक हो जाएगा ना, आपके पूछ के ठीक होगा जो दर्द है। बेबी तो है दोस्तों, क्या कर सकते हैं, एक तरफ दवाए आप पेट भी दबा नहीं सकते हैं, एक तरफ ही दर्द दे रहा है नंदिनी को ज्यादा। खाती पीती नहीं है तब ना ऐसा होता, देखो तो कैसा हो गई है, पतला हो गई देखो, पूरा एकदम घुमाई घुमाई लग रहा है, चक्कर दे रहा है। मत मारो बेटा, मम्मा है ना, पूरा गुल्लू मम्मा को नहीं रोने इसीलिए मार रहा है। नहीं मारो गंदा बच्चा, मम्मा रो रहा है इसीलिए, छोड़ दो उसको, वो तो गाड़ी 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 जाओ, गाड़ी जात के लो, अब ये भी रोने लग जाएगा। चलिए दोस्तों हम हाथ पे दबा देते हैं, खून का तो कमी है ही है बोला था डॉक्टर, पर खाएगी पिएगी तब ना, खाती तो है नहीं बोल रही है। देख सकते दोस्तों मौसम किस तरह से चेंज हो चुका है यहाँ का, और गुल्लू हमारे साथ घूम रहा है क्योंकि मम्मी इसकी सो रही है दोस्तों, हाथ पे दबा दिए तो मम्मी को थोड़ा नींद आ रहा है ना बेटा, सो रहा है ना मम्मी, मम्मी सो रहा माँ, ये कौन मारा, मम्मी मारा बोलता था झूठ कर, नहीं मारा ना, झूठ बोलता ना तुम भी तो मम्मी को मार रहा था। चलो मम्मी पास चलते हम लोग, अब लग रहा है दोस्तों बारिश होगा, मौसम पूरा चेंज हो चुका है, इधर नंदिनी सो रही है दोस्तों, देख सकते हैं अभी कैसा लग रहा तबीयत, हेलो सो रही है दोस्तों। चलिए नंदिनी को सोने देते हैं, आ जाओ बेटा इधर, नहीं आएगा, मम्मा से डर रहा था तो मम्मा जब सो रही थी ना तो इसको इना मारा, मम्मा को इसको मार पड़ा है इसलिए साइड में बैठा है, तो मम्मा पास नहीं आ रहा। तो चलिए दोस्तों अभी ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, चलते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं दोस्तों। नंदिनी का तबीयत तो अभी देख ही रहे हैं, कभी ठीक कभी खराब कभी कुछ, आप लोग भी कमेंट करते हैं कि नंदिनी जब पार्टी उठी कहीं घूमने जाती है तो हाथ पैर कुछ भी दर्द नहीं देता, जब घर में रहती है तो सब दर्द देने लगता है काम करने से, ऐसा नहीं है दोस्तों, नाटक नहीं करते, लोग बोलते हैं नाटक करती है, होता है ऐसा, में नंदिनी को ऐसा होता है, सबको होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी भी है दोस्तों 5-5.5 महीना का, तो हम समझ सकते हैं, अकेला काम भी करना पड़ता है सारा कुछ, तो हो जाता है थोड़ा दर्द बढ़ जाता है ना गुल्लू, और गुल्लू तो इतना बदमाश है तो इसको भी देखना पड़ता है ना, सबसे बदमाश तो ये है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।